थोड़ा जोर से साहब। पीसीसी चीफ बनने के बाद में पहले कोरोना था, हम मैडम से कट सी मीटिंग करने भाई हाथ दे करो ना। अभी कट सी मीटिंग थी, जो भी हम पॉलिटिकल लोग हैं और मैडम से हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मिले हैं, तो निश्चित रूप से जो मुद्दे राजनीति में रहते हैं उन पर चर्चा हुई है। और जिस प्रकार से सबसे प्रमुख मुद्दा है देश में जो महंगाई बढ़ रही है, मोदी सरकार महंगाई को रोकने में जो नाकाम रही है, उसके खिलाफ जो जनजागरण अभियान हमने चलाया पूरे प्रदेश में और पूरे देश में कांग्रेस के लोगों ने चलाया, उसको आगे बढ़ाना है मजबूती के साथ में। हम लोग मोदी सरकार को घेरने का काम करेंगे कि इस महंगाई को कम करें, जो सिलेंडर है गैस का उसके दाम कम करें, खाद्य तेल हों चाहे दालें हों चाहे कपड़ा लोहा सीमेंट तमाम सब चीज़ें जो आम उपभोक्ता की आवश्यकता की वस्तुएं वो तमाम महंगी हैं, उसको कम कराने के लिए संघर्ष करना है। सत्ता और संगठन में समन्वय के साथ में जो हमारी राजस्थान की सरकार जो अच्छा कार्य कर रही है, उसको गांव-गांव ढाणी-ढाणी तक उसकी योजनाओं का लाभ कैसे मिले, उनकी जो कैसे कांग्रेस की नीतियों को हम लोग आगे अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचा सकें। और उसके साथ साथ 2023 में पुनः राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बने और 2024 में यूपीए की सरकार देश में बने और मोदी जी की सरकार का खात्मा हो, इन सब संकल्पों के साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ना हुई जो नगर निकाय के चुनाव हुए वो बहुत अच्छे हुए और लोगों ने मोदी सरकार की जो बढ़ती महंगाई नहीं रोक पाना और बेरोजगारी नहीं मिटा पाना, रोजगार नहीं दे पाना युवाओं को, वो सारे मुद्दे हमारे साथ में थे और हमारे सरकार की गुड गवर्नेंस भी हमारे लिए एक अच्छी हम लोगों को ताकत दे रही है। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि हम सब लोग मिलकर के 2023 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बना। सर पीसीसी का लंबे समय से विस्तार पेंडिंग है, डीसीसी अध्यक्ष बनने हैं, वो कब तक हो जाएगा? बिल्कुल, देखिए आज मेरी अजय माकन जी से इस बारे में मुलाकात होनी है। अभी सुबह सुबह चूँकि मैडम से मिलने का समय था और उनका थोड़ा स्वास्थ्य नरम था, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज मैं यहीं हूँ, तो आज शाम को जब भी उनको समय मिलेगा हम लोग इसके ऊपर विस्तार से बात करेंगे और जल्दी ही इस दिशा में आगे। सर भाजपा लगातार आरोप लगा रही है कि प्रदेश सरकार में खींचतान बहुत ज़्यादा है। प्रदेश सरकार में कोई खींचतान नहीं है, प्रदेश की कांग्रेस में कोई खींचतान नहीं है और भाजपा बेहाल है, राजस्थान में लड़खड़ा रही है, आपस में कलह है। वसुंधरा जी सुना है कि कोई यात्रा निकाल रही है, पूरी बीजेपी के जो संगठन के लोग हैं और पूनिया जी वगैरह, गुलाब चंद जी कटारिया साहब, सब उस यात्राओं को रोकने में अपनी ताकत लगाए हुए हैं। 25 के से 25 सांसद बीजेपी के होने के बावजूद भी राजस्थान में कोई ऐसा योजना या कोई एक्स्ट्रा बजट या कोई विशेष पैकेज जो पानी के मामले में हमारे यहाँ बड़ी क्लियर रहते हैं उसमें ले जा नहीं पाए हैं। जनता में 25 सांसदों के प्रति और बीजेपी की के प्रति बहुत आक्रोश है। मैं समझता हूँ कि भाजपा कुछ भी कहे, हम सब एक हैं और एकता के साथ में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम सब लोग कांग्रेस को मजबूत करेंगे और पुनः 2023 में सरकार बनाएंगे।